हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या किया, प्लास्टिड करा दिए थे। अब हमारा अगला आता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब अगला हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, मेजोरिटी प्रेजेंट होता है। द मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट ऑफ सेल, ग्रीन प्लांट ऑफ मेसोफिल इन लीफ। मतलब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट के लीफ में, मेसोफिल सेल में पाया जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। हम लिखते हैं पहला है मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट ऑफ मेसोफिल सेल ऑफ लीफ के मेसोफिल सेल में हमारा सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब इसका हम शेप एंड साइज देख लेते हैं। तो इसका जो शेप होता है, सबसे पहले होता है लेंस सेल। दूसरा होता ओवल होता है। क्या होता है, लेंस सेल होता है, ओरल होता है, लेंस सेल होता है, ओवल होता है। उसके बाद हमारा होता है स्फेरिकल। लेंस से ओवल, स्फेरिकल एंड राइबन लाइक होता है। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है, लेंस सेट होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है एंड राइबन लाइक होता है। अब इसका साइज देख लेते हैं। जो वेरिएबल साइज होता है, पहले लेंथ इसका होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। अब इसका विड्थ देख लेते हैं। इसका विड्थ होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये हो गया इसका विड्थ। मतलब हम ये देखें, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का लेंथ होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर और जो विड्थ होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है क्लाइडोमोनास में, एक सेल में केवल एक मेसोफिल सेल पाया जाता है। तो हमारा जो क्लाइडोमोनास होता है, क्लाइडोमोनास जो हमारा क्लाइडोमोनास होता है, वन पर सेल, मतलब एक सेल में एक मेसोफिल पाया जाता है। तो वन पर सेल ऑफ मेसोफिल सेल मतलब एक सेल में एक मेसोफिल सेल पाया जाता है। और ग्रीन एल्गी में, जो ग्रीन एल्गा होता है, पर सेल में
जो ग्रीन एल्गी होता है पर सेल में 20 से 40 20 20 to 40 मेजोफिल सेल पाया जाता है। मतलब ग्रीन एल्गा में एक सेल में 20 से 40 मेजोफिल सेल पाया जाता है। फिर हमारा आता है जो हम इसके बाद आता है जो हमारा क्लोरोप्लि अर्थात क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया होता है, दोनों में डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है मतलब बहुत कम परमेबल होता है, लेस परमेबल होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया लेस परमेबल होता है। क्लोरोप्लास्ट इनर सेल मेम्ब्रेन ऑफ इनर सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमेबल होता है, लेस परमेबल होता है। जो इनर सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है वो लेस परमेबल होता है। फिर हम क्या देखते हैं जो इनर सेल होता है जो इनर मेम्ब्रेन होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में एक लिमिटिंग स्पेस पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टोमा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लिमिटिंग स्पेस इज कॉल्ड स्टोमा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लिमिटिंग स्पेस प्रेजेंट होता है लिमिटिंग स्पेस प्रेजेंट होता है इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक लिमिटिंग स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमा। फिर अगला हमारा आता है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेट मेम्ब्रेनस सैक इज कॉल्ड स्ट्रोमा थैलाकॉइड। मतलब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक प्लेट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या थैलाकॉइड, जो प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। कहाँ प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। हाँ तो अगला हम देखते हैं क्या द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्लैड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्लैड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलाकॉइड। थैलाकॉइड मतलब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज मतलब बहुत से क्लैड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं थैलाकॉइड इज प्रेजेंट इन स्टोमा इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा जो स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है प्रेजेंट होता है। फिर अगला क्या होता है कि इसमें एक जो हमारा
क्लोरोप्लास्ट होता है इसके लूम इसके क्लोरोप्लास्ट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है लक वाइट होता है। एक क्या कहते हैं कि जैसे हमारा एक स्टॉल लाइक पिल्स या क्वाइन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं ग्रेना, तो हम लिखते हैं द थैलाकॉइड जो होता है थैलाकॉइड के अंदर एक स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर पिल एंड क्वाइन जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रेना इज कॉल्ड ग्रेना। तो क्या कर लिखते हैं थैलाकॉइड अरेंज स्टॉल लाइक पिल्स या क्वाइल्स इज कॉल्ड ग्रेना। अगर जो सिंगुलर होता है तो उसे ग्रेनम कहते हैं या इसी को कहते हैं इंटर थैलाकॉइड ग्रेना। क्या बोलते हैं इसे इंटीग्रल थैलाकॉइड या इसी को ग्रेना बोलते हैं या इसी को बोलते हैं इंटीग्रल थैलाकॉइड। इसी को इंटीग्रल थैलाकॉइड बोलते हैं। फिर हमारा अगला आता है जो थैलाकॉइड होता है इसमें जो स्पेस होता है मतलब थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं उसी को हम बोलते हैं लूमेन। क्या बोलते हैं लूमेन। तो हमारा अगला आता है द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड स्पेस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड लूमेन। लूमेन मतलब थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इज स्पेस इज कॉल मतलब थैलाकॉइड इज स्पेस इज कॉल्ड लूमेन। मतलब थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है मेम्ब्रेन के मतलब मेम्ब्रेन में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं लूमेन। तो द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इंक्लोज स्पेस इज कॉल्ड लूमेन क्योंकि इसके पास मतलब एकदम इसके इनक्लोज होता है। यहां लिखिए इनक्लोज मतलब द थैलाकॉइड इनक्लोज स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन मतलब जो होता है हमारा थैलाकॉइड होता है उसके मेम्ब्रेन के इनक्लोज एक स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ल्यूमेन। अब अगला आता है हमारा कि जो हमारा लूमेन थैलाकॉइड होता है उसमें एक फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं लाता स्ट्रोमा लेमली। क्या कहते हैं थैलाकॉइड
थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड इज फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड इज फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इज कॉल स्ट्रोमा लेमली, स्ट्रोमा लेमली। लेमली मतलब थैलाकॉइड का जो फ्लैट मेम्ब्रेन, फ्लैट थैलाकॉइड में एक फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमली, जो कनेक्ट होता है कनेक्टेड बाय टू डिफरेंट ग्रेना, टू डिफरेंट ग्रेना, जो दो डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट करता है, क्या करता है कनेक्ट करता है। थैलाकॉइड इज फ्लैट मेम्ब्रेन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड इज द फ्लैट मेम्ब्रेन एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमली। उसके बाद जो कनेक्ट करता है बाय द टू, या इसे कर द कनेक्ट, कनेक्टिंग थैलाकॉइड बाय टू डिफरेंट ग्रेना, तो हम थैलाकॉइड पहले कर दिया, थैलाकॉइड इज फ्लैट मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड में फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली, जो कनेक्ट करता है टू डिफरेंट ग्रेना, जो दो डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट करता है। फिर अगला हमारा देखते कहाँ तक आ रहा है, अभी ज्यादा है, तो हमारा अगला आता है जो स्ट्रोमा लेमली होता है, थैलाकॉइड ऑफ जो स्ट्रोमा लेमली होता है उसमें एक एंजाइम पाता है, उसका काम होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्या होता है हमारा अगला क्या आता है, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, एंड प्रोटीन मतलब जो हमारा स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एंजाइम कंटेन होता है जो रिक्वायर्ड करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और फिर इसका एक और जल्दी जल्दी कर ले, फिर अगला हमारा इसमें क्या आता है कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है एंड राइबोसोम, एंड डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, एंड राइबोसोम पाया जाता है हमारे डीएनए अथवा क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें जो होता है राइबोसोम जो होता है 70S होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट मतलब जो थैला जो क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट होता है प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड में,
क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोथैलापाइड, प्रेजेंट प्रेजेंट इन थैलापाइड थैलाकॉइड थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। फिर अगला आता है क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट इन पिगमेंट इन थैलाकॉइड। फिर आता है जिसमें इसमें जो क्लोराइबोसोम होता है 70S होता है, राइबोसोम 70S होता है, लेकिन जो साइटोप्लास्ट का राइबोसोम होता है 80S होता है। क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम 70S होता है और साइटोप्लास्ट का राइबोसोम 80S होता है, राइबोसोम 80S होता है। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, यहाँ तक हमारा क्लोरो